वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपका पार्टनर या फिर आप किसी भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप किसी से प्यार करते हैं, तो वो आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ चीट कर रहा है। तो इस चीज़ को हम कैसे पता करें कि सामने वाला पर्सन आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ चीट कर रहा है। देखो यार, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में होते हैं, बहुत सारे लोग किसी से प्यार करते हैं, चाहे उनकी कोई गर्लफ्रेंड होती है या कोई बॉयफ्रेंड होता है। अब वो पर्सन आपके साथ लॉयल है कि नहीं है, वो पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट है, ईमानदार है कि नहीं है, आपको चीट नहीं कर रहा है, आपको धोखा नहीं दे रहा है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि कोई भी पर्सन अगर आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, तो कैसे हम पता करें। तो देखो यार, अगर कोई भी पर्सन आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, तो पहली चीज़ कि उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा। कि कल तक वो पर्सन आपको अपनी छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात बिना शेयर किए नहीं रह सकता था। अपनी छोटी से छोटी बात, अपनी बड़ी से बड़ी बात आपके साथ जरूर शेयर करता, आपको बताता, और जब तक वो नहीं बताता या नहीं बताती, तब तक उसको चैन नहीं मिलता। मतलब वो आपसे अपनी हर एक बात शेयर करता या शेयर करती, लेकिन अब वो अपनी कोई भी बात आपके साथ शेयर करने में कतराता है या कतराती है, उसको शेयर करना नहीं चाहता, आपको नहीं बताना चाहता या नहीं बतानी चाहती। तो ये चीज़ है पहला साइन कि वो पर्सन आपको चीट कर रहा है, नंबर वन। नंबर टू कि वो पर्सन अब आपको ना तो कॉल करने में इंटरेस्टेड है, ना तो आपको मैसेज करने में इंटरेस्टेड है। मतलब आप उसको दिन भर में 10, 20, 50 या 100 कॉल भी करते हो, 100 टेक्स्ट करते हो, मैसेज करते हो, उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है, या फिर कभी कभार बाई चांस एक दो कॉल आ जाए, एक दो टेक्स्ट आ जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इतना ही काफ़ी है। और पूछने के बाद कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कर रही हो या फिर ऐसा क्यों कर रहे हो, वो बताने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बात को घुमा रहा है या घुमा रही है, ये भी एक साइन है कि सामने वाला पर्सन आपको चीट कर रहा है। क्योंकि देखो यार, कभी एक आध दिन हो सकता है, एक दो दिन ऐसा चल सकता है कि सामने वाला पर्सन किसी रीज़न के वजह से, किसी कारण के वजह से आपके कॉल का, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी यार ऐसा बहुत दिन से होते आ रहा है, तो फिर ये साइन है चीटिंग का, ये साइन है कि सामने वाला पर्सन आपको धोखा दे रहा है। तीसरा नंबर पे आता है कि सामने वाला पर्सन अब आपके बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। मतलब कि आपके प्रॉब्लम में, आपको कोई चीज़ का दुख हो, कोई चीज़ का तकलीफ हो, तो ना तो वो सुनने में इंटरेस्टेड है, ना ही उसको समझने में इंटरेस्टेड है। मतलब वो आपको टोटली इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है। आप अपनी बात भी बता रहे हो तो वो नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रही है। कल तक वही पर्सन अगर आपको पेन होता था, आपको तकलीफ होता था, तो एहसास उसको होता था, लेकिन आज का टाइम ऐसा आ गया है कि उसको आपके मतलब किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी बात से, आप कहीं जिंदा हो, मर गए, या कुछ भी सिचुएशन में आप क्यों ना हो, आपको कितना भी प्रॉब्लम हो, कितना भी दुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, उसको कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि सामने वाला पर्सन को फर्क पड़ना बंद हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी एक प्रकार का साइन है कि सामने वाला पर्सन आपको चीट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाला पर्सन अब आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, अब उसको इंटरेस्ट कहीं और आ रहा है, किसी दूसरे पर्सन के पास, किसी तीसरे पर्सन के पास इंटरेस्ट आ रहा है, वो अब कहीं और इंटरेस्ट ले रहा है, उसको आपके दुख से, आपके प्रॉब्लम से, आपके परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ऐसा चीज़ हो रहा है तो ये भी एक प्रकार का साइन है कि सामने वाला पर्सन आपको चीट कर रहा है। अब देखो यार, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर आपके लाइफ में भी ऐसा हो रहा है, आपका पार्टनर ऐसा कर रहा है या कर रही है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं दो चीज़ बोलता हूँ। पहला कि आप उस पर्सन से पूरा अच्छे तरीका से कॉन्वर्सेशन करो, उससे अच्छे से बात करो, एक छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात उसके साथ शेयर करो, जो आपका प्रॉब्लम हो, जो आप फेस कर रहे हो, जो आपको परेशानियाँ हैं, उसको लेके आप उसको बताओ, और उससे भी सुनो। अगर आप दोनों एग्री कर रहे हो, अगर आप दोनों चाह रहे हो वाकई में सब कुछ ठीक करना, तो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। और नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी एक पर्सन, दोनों में से कोई एक पर्सन ही चाहता है रिलेशनशिप को अच्छा करना, मैटर को सॉर्ट आउट करना, एक नहीं चाह रहा है, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, आप कितना भी उसको बोलो, कितना भी सुनाओ, वो इग्नोर करेगा, आपकी बात को सुनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे फिर आता है दूसरा नंबर पे कि आपको उस पर्सन के साथ गेम को यहीं पे ख़त्म करना है। मतलब कि आपके रिलेशनशिप का, आपके रिश्ता का द एंड होने वाला है। और ये सच है, अगर ऐसा है, अगर सामने वाला पर्सन मैटर को ठीक नहीं करना चाह रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाह रहा है, रिलेशनशिप को अच्छा करना नहीं चाह रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अब रिलेशनशिप को दंड करने का समय आ गया। यहाँ पे एक लाइन में रिलेशनशिप को ख़त्म करो हमेशा के लिए, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, बस यही एक बात है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो रोज़ वही पुरानी बात को लेके लड़ाई करना, झगड़ा करना, खुद डिप्रेशन में रहना, खुद टेंशन में रहना, सामने वाले भी पर्सन को परेशान रखना, ये सही चीज़ नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली ऐसी रिलेशन का एक ही अंत है, लास्ट में ख़त्म होना, टूट जाना। तो इससे अच्छा है यार कि खुशी खुशी दोनों अलग हो जाओ, किसी दूसरे पर्सन को पूरा हार्म किए बिना, उसको बर्बाद किए बिना अगर अलग हो जाते हो आप लोग, तो बहुत अच्छी बात है।